तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गर्वित है और आज मैं आपको एक होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बताने वाला हूँ। इस रेमेडी का नाम है पल्सेटिला और ये मैंने पिछले वीडियो में कवर की है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए, उसके बाद का मैं आज बताने वाला हूँ। आज मैं इसके मेनली पर्टिकुलर्स के बारे में बात करूंगा, तो चलिए शुरू करते। अब मैं इसके मेंटल्स पे आता हूँ। द पेशेंट वीप्स वेरी इजिली, यानी कि उसको बहुत आराम से रोना आ जाता है। एंड द पेशेंट क्रेज फॉर सिंपथी, यानी कि उसको बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई लोग उसको आगे पूछें क्या करें, बहुत सिंपथी के लिए क्रेव करता है। द पेशेंट्स ऑल्सो गेट्स डिस्करेज वेरी इजिली, यानी कि बहुत आराम से वो हार मान लेता है। एंड द पेशेंट्स फियर्स ऑफ बींग अलोन स्पेशली इन द इवनिंग, यानी कि उसको बिल्कुल नहीं पसंद अकेले रहना। एंड ऑल्सो इसकी डॉक्ट्राइन में भी ये दिया गया है कि द फ्लावर जो होता है पल्सेटिला का नेवर ग्रोज अलोन, उस वो काफ़ी सारे ग्रुप में या काफ़ी सारे पेड़ पौधों के बीच में होता है, तो इसलिए डॉक्ट्राइन से हम इस बात को रिलेट कर सकते हैं। ऑल्सो द पेशेंट इज़ वेरी इमेजिनेटिव, यानी कि उसको इमेजिनेशंस बहुत होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थिंक करता है। ऑल्सो द पेशेंट इज़ वेरी रिलीजियस, रिलीजियस यानी कि वो काफ़ी पूजा पाठ या काफ़ी धार्मिक होता है। द पेशेंट इज़ ऑल्सो टिमिड, टिमिड यानी कि उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, तो इसका मतलब वो है कि पेशेंट को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसके कारण उसकी सारी एक्टिविटीज़ में उसको तकलीफ। अब हम इसके हेड पे चलते हैं। द पेन ऑफ द पेशेंट एक्सटेंड्स टू फेस एंड टीथ, उसको सिर में काफ़ी दर्द होता है। सेंसेशन जो हमें सिर में होती है उसको थ्रॉबिंग सेंसेशन कहते हैं पेन की, और वो थ्रॉबिंग सेंसेशन होती है जो आर्टरीज में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने के कारण फूल जाती है, उसके कारण थ्रॉबिंग सेंसेशन हमें फील होती है। जब जो पेशेंट होगा उसको फ्रंटल और सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में तकलीफ होगी। फ्रंटल फ्रंटल लोब यानी कि जो हमारे आगे का लोब होता है स्कल में वो, और सुप्रा ऑर्बिटल होता है जो आंखों के ऊपर वाला पार्ट, तो ये फ्रंटल और सुप्रा ऑर्बिटल रीजन होता है हमारा। ऑल्सो पेन जो होगा उसको राइट टेम्पोरल रीजन में, राइट टेम्पोरल रीजन ये होता है हमारा, राइट टेम्पोरल रीजन में उसको तकलीफ होगी, जो कि माइग्रेन भी कहलाई जा सकती है। देर विल बी प्रेशर ऑन द वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है सजाइटल सूचर। अब सजाइटल सूचर ये होता है जो हमारे जो पैराइटल लोब्स होते हैं स्कल के अंदर, जो दोनों ऊपर वाले पार्ट होते हैं, जो फ्रंटल लोब के पीछे होते हैं और टेम्पोरल लोब के ऊपर की तरफ होते हैं पैराइटल लोब, वो जाके जुड़ते हैं ऊपर ऊपर एक साथ, जो एक साथ जुड़ते हैं उस रीजन को वर्टेक्स कहते हैं, और जो वर्टेक्स होता है उसको हम सजाइटल सूचर भी कहते हैं। द पेशेंट गेट्स बेटर बाई कोल्ड, गेट्स बेटर इन नाइट और वर्स बाई मूवमेंट ऑफ आई। देर विल बी थिक ब्लैंड येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज विच विल बी प्यूरुलेंट एंड इट कॉजेज इचिंग एंड बर्निंग इन द आईज। देर इज ऑल्सो ब्लेफराइटिस, ब्लेफराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड्स, एंड जिसके कारण द पेशेंट विल हैव प्रॉब्लम इन इन टीयरिंग, यानी कि आंसू आने में उसको काफ़ी तकलीफ होगी, एंड लिड्स में काफ़ी तकलीफ होगी, लिड्स यानी कि आई लिड्स। ये रेमेडी कैटरैक्ट, कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, जिसके ये ओल्ड एज में होता है जिसके ऊपर हमारे आइज से दिखना कम हो जाता है, उसमें भी काफ़ी सही एक्ट करती है। ऑल्सो इट एक्ट्स वेल इन ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत सही रेमेडी है, पर अगर सिम्टम मैच करे तो ये भी दे सकते हैं। ये एक बीमारी है जो बच्चों को होती है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज, जो कि एक एसटीडी है जो उनके माता को हुई होती है, तो वो डिलीवरी के टाइम उनके आईज में पास हो सकता है जिसके कारण उनको तकलीफ हो। ये रेमेडी है वार्म रूम में, ये रेमेडी वार्म रूम में एग्रेवेट होती है, यानी कि जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो वार्म रूम में एग्रेवेट होगी। पस्ट्यूल्स, पैप्यूल्स और स्टाइज काफ़ी कॉमन है, और स्टाइज होता है इट इज़ अ रेड बॉयल और अ पिंपल टाइप अपीयरेंस विच अपीयर्स ऑन द आईलिड्स, आईलिड्स में एक पिंपल जैसा आता है, जो काफ़ी पिंपल या बॉयल जैसा कोई स्ट्रक्चर आता है जो काफ़ी पेनफुल होता है। ये आँख में होता है, इनको फुंसी भी कहते हैं हम आमतौर पर, आँखों की फुंसी। अब हम इसकी हम ईयर्स पे चलते हैं। द पेशेंट विल हैव अ सेंसेशन एज इफ समथिंग इज फोर्स्ड आउट ऑफ हिज और हर ही हर ईयर, यानी कि कान से कुछ निकल रहा है वैसा उसको सेंसेशन होगी।
ऑल्सो देयर विल बी ओटाइटिस मीडिया, यानी कि मिडल ईयर में उसको इन्फेक्शन होगा, उसको ओटेल्जिया भी होगा जो कि पेन इन द मिडल ईयर होता है, ओटोरिया, ओटोरिया, ओटोरिया इज अ स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड जो कि मिडल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में होता है, उसका ड्रेनेज कर सकते हैं और उसके ड्रेनेज के कारण ही मेनली ओटोरिया होता है। हियरिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है इस कंडीशन में जो जिसमें हम पल्सेटिला देते हैं, क्योंकि उसके जो कान होते हैं वो मोस्टली स्टफ्ड होते हैं, स्टफ नॉन ट्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है जो कि ईयर में होता है, जो कि पस नहीं होता मोस्टली, तो हम कटारल ओटाइटिस भी कहते हैं। देयर विल बी ऑफेंसिव ओडर फ्रॉम द डिस्चार्जेस। ठीक है, अब हम इसकी नोज पे चलते हैं। द पेशेंट विल हैव स्टॉपेज ऑफ द राइट नोस्ट्रिल और कोराइजा भी होगा, उसको सोरनेस इन द नेजल बोन होगी, एंड ऑल्सो देयर विल बी प्रेसिंग पेन, प्रेसिंग पेन, या जैसा कोई कोई दबा रहा है नोज की बोन वैसा उसको तकलीफ होगी। ऑल्सो येलो म्यूकस इज वेरी कॉमन जो कि इसमें बहुत क्लियरली दिखेगा। लॉस ऑफ स्मेल भी रहती है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स निकलते हैं नाक से, कोराइजा बहुत होता है तो इसके कारण उसको तकलीफ होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझा होगा ये रेमेडी। इसके आगे का मैं अगली वीडियो में लूँगा। होप करता हूँ समझ में आया, अगर कोई तकलीफ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।